हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिनव शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम आ गए हैं एक और डेस्टिनेशन पे, और इस डेस्टिनेशन का नाम है, चलिए देखते हैं वीडियो आगे, मैं डिस्क्लोज करता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं इस नए डेस्टिनेशन के ट्रिप पे और करते हैं इन्जॉय इस ब्यूटीफुल नज़ारे को और ये नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। ऑलराइट, तो चल रहे हैं हम अब अपनी मंजिल की तरफ। वेल, ये थोड़ा सा रास्ता मुश्किल सा लग रहा है, बट उतना ही सुंदर रास्ता है। और व्यू जो है, बहुत ही जल्दी मैं आपको इसके जगह का व्यू भी दिखाऊंगा। तो अगेन, इट्स अ वाटर बॉडी, सो एक डैम पे हम आए हैं। ये जो डैम है, ये है डोलबाहा डैम, और ये डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के अंदर है। और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुली लोकेटेड, और होशियारपुर के अंदर ये डैम। यहाँ से आप डैम का जो लेक है, डैम की जो लेक है, उसकी ब्यूटी का नज़ारा ले सकते हैं, और जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी आपको दिख रही है। इट्स अ ग्रेट स्ट्रक्चर। तो आइए हम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा और व्यू। रास्ता बहुत ही सुंदर है, पीसफुल जगह है, थोड़े से टूरिस्ट, थोड़े से लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं है। सो अगेन, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी अनटच्ड है, लोगों को पता है इसके बारे में बहुत, लेकिन कम लोगों को, तो बहुत कम लोग जो हैं इस जगह पे आते हैं। और अभी तो शायद वैसे भी लोग कम ही निकल रहे हैं, बट जो ये रास्ता है, बहुत ही सुंदर रास्ता है। एक छोटी सी ट्रैक भी आप यहाँ पे एक तरह से एक वॉक लेके कर सकते हैं। ये रास्ता पूरा डैम के स्ट्रक्चर के ऊपर से जाता हुआ। डैम का टूर करवाता मैं अब आपको ले आया हूँ डैम के अपर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये हम रास्ते पे चल रहे हैं जो वॉकअवे रास्ता है, और इस रास्ते से आप एंड तक एक वॉक करते जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से नज़ारा दिखेगा, ये खूबसूरत नज़ारा, ठंडी हवा जो है वो चल रही है, और ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप, खूबसूरत जगह, दूर तक आपको सिर्फ हरियाली दिख रही है और एक पीसफुल एटमॉस्फियर यहाँ पे है। इस रास्ते पे चलते हुए मैं बता नहीं सकता कि ये कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही एक तरह से आप अकेले हैं इस रास्ते के ऊपर, और आपको थोड़ा शोर शराबा नहीं है। अच्छी जगह है, साफ सुथरी जगह है, क्लीन है। तो मैं अब आपको अपने बैकग्राउंड पे भी दिखा देता हूँ कि पीछे जो है, अगर व्यू पॉइंट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आगे हम आ गए हैं, और ये रहा वो ब्यूटीफुल डैम। आप थोड़ा और पास से हम देख सकते हैं इस लेक को, और इसकी खूबसूरती का हम आनंद जो है वो ले सकते हैं। सो ये रही वो लेक, डोलबाहा डैम। डोलबाहा जो आप शायद कह लो कि गांव है, उससे थोड़ा सा आगे 5-10 मिनट आगे एक पतली सी सड़क जाएगी, थोड़ा गांव के बीचों में से होते हुए, और आप ये डैम का जो स्ट्रक्चर है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। गाड़ी पहुँच जाएगी आपकी, जो गेट है वहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, तो ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। गेट से फिर आपको जो डैम का ये स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप पैदल चलते हुए जो है वो आ सकते हैं। बट अगेन, एक वीकेंड डेस्टिनेशन के लिए, एक वीकेंड गेट आउट के लिए बहुत ही सुंदर ये जगह है। दूर तक आपको लेक जो है वो दिख रही है, और हम चल रहे हैं और आगे तक चलते हैं, देखते हैं कि उस एंड पे क्या है, कहाँ तक जाते हैं हम। सो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, इस डैम की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं। तो डोलबाहा डैम जो है, इट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द गवर्नर पंजाब ऑन 27 नवंबर 1987। सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 33 ईयर्स ओल्ड ये डैम है। तो 27 नवंबर 1987 को जो है ये डैम डेडिकेट किया गया था।